हेलो दोस्तों, मैं हूं सहनसा बक्सी और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है पल्सर NS400Z। जी हाँ, ये पल्सर सीरीज की अब तक की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल है। और आप जो इंजन देखेंगे तो इंजन जो है वो 373 सीसी का है। ये इंजन वही है जो हमने डोमिनार के अंदर में देखा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डोमिनार से शेयर की गई है, लेकिन जब आप इसका व्हील बेस देखेंगे या इसका वेट देखेंगे वो डोमिनार से आपको काफ़ी डिफरेंट दिखेगा। बाकी लुक जो है बिल्कुल रिफ्रेश मिलने वाला है आपको, और कहीं ना कहीं जो इसकी NS200 की सिबलिंग ये आपको लगने वाली है। का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन पे काफ़ी बढ़िया काम किया है यहाँ बजाज ने। आप देखेंगे यहाँ जो DRL आपको मिल जाता है ये थंडर शेप में होने वाला है, जी शेप का आपको दिखता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ आपको NS400G यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसी जी को कहीं ना कहीं आपको DRL में दिखाया गया है। बाकी आप हेडलाइट जो देखेंगे यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलने वाला है। अगर आपका इग्निशन ऑन है तो ये आपका DRL ऑन होगा, और अगर आपको अपने हाई बीम को अगर ऑन करते हो तो आप देखेंगे इसका जो लाइट का थ्रो है ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, मतलब सनलाइट में भी इसका थ्रो काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी ये जो बॉडी की जो डिज़ाइन है, काफ़ी शार्प एंड एजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आपके इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स आपको मिलने वाले हैं LED के अंदर में, फ्लेक्सिबल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कह सकते हैं। हज़ार लाइट का सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप नीचे के साथ में आएंगे तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट को लगा सकते हैं। और नीचे में जो मड गार्ड का यूनिट है ये सिंगल यूनिट ही रखा गया है, और ABS की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, जो आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेड का इंसर्ट देखने को मिल जाएगा मड गार्ड पे। मड गार्ड की क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, हालांकि है ये प्लास्टिक ही, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। और सस्पेंशन की बात कर ले तो आप देखेंगे यहाँ पे USD फोक आपको मिल जाता है 43mm का, जो कि काफ़ी हेवी है और काफ़ी इसका अच्छा रिस्पॉन्स होने वाला है। बाकी जो आपको टायर मिल जाते हैं यहाँ जैपर के, आपको टायर देखने को मिल जाएंगे। टायर साइज जो है 100 10 70 R 17 इंच का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। और एलॉय के डिज़ाइन है ये, थोड़े और बेटर हो सकते थे। ये एलॉय का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, सिंपल सा है। और इसके रिम पे भी आपको रेड का इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप डिस्क ब्रेक की आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 320mm का बड़े साइज का डिस्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ABS के रिंग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपको क्लिपर मिलता है ये ड्यूल पिस्टन क्लिपर मिलने वाला है, जो ग्रीमिका का आपको यहाँ पे क्लिपर मिल जाता है, और रियर में भी और फ्रंट में भी दोनों जगह आपको ग्रीमिका का यहाँ पे क्लिपर मिलेगा। आपको जो फ्रंट में जो क्लिपर है ये ड्यूल पिस्टन होने वाला है, और जो रियर में आपको क्लिपर है वो सिंगल पिस्टन होने वाला है। बाकी जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है, काफ़ी अच्छे सारे पेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको NS की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके जो टैंक एक्सटेंशन है ये काफ़ी आगे तक आए हुए हैं। बाकी इसका जो चेसी है, चेसीज का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी अलग डिज़ाइन दिया गया है, पूरी एल्युमिनियम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इंजन की बात करें तो यहाँ आपको 373 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। पावर फिगर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, 40 PS का आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाएगा, और टॉर्क यहाँ पे 35 Nm का मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपको इंजन कॉल मिलने वाले हैं ये आप देखेंगे ये फाइबर के साथ ही होने वाला है, इस पर भी अच्छी आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रेडिएटर देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये लिक्विड कूल होने वाली है। हालांकि यहाँ जो हॉर्न इस्तेमाल किया गया है ये आपको सिंगल यूनिट हॉर्न ही होने वाला है, ठीक है, लाउड है हॉर्न। आपको यहाँ ड्यूल होता तो और भी बेटर हो सकता था। NS400 के साथ जो यहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो 168mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। हालांकि जब आप देखेंगे तो ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको कम देखने को मिलेगा, ऑन पेपर आपको यहाँ 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस कहा जा रहा है। और जो सीट हाइट है, सीट हाइट आपको यहाँ 807mm का देखने को मिलेगा। अगर मेरी हाइट 5'7" है, इस पर बैठ पा रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। पोस्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसका जो हैंडल है हैंडल भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपको लीन नहीं होना है। बाकी इसके जो फुट रेस्ट वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं है, जिससे आपके नी में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफर्ट राइड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको फुट रेस्ट वगैरह की क्वालिटी है ये सब तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के दिए गए हैं, एल्युमिनियम के साथ ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ 6 गियर स्पीड आपको मिलने वाला है। यहाँ जो आपको साइड स्टैंड है ये आपको इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ होने वाला है, हालांकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल स्टैंड का आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे ओपन चैन ही होने वाली है। जो चैन गार्ड है आपका ये प्लास्टिक के साथ ही है, छोटी सी कवरिंग की गई है यहाँ पे। बाकी जो रियर में सस्पेंशन है ये आपका 6 टाइम एडजस्टेबल होने वाला है, मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ मिल जाते हैं। थोड़ी सी स्टिफ है, अगर आप पिलियन के साथ बैठते हो तो आपको बढ़िया यहाँ पे कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके की इंसर्ट है, जो यहाँ से ओपन करके आप अपने छोटे से यूटिलिटी बॉक्स इसके अंदर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हो। बाकी सीट वगैरह की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पिलियन के लिए भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ राइडर के लिए
भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बैक में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो आपका बैक रेस्ट है ये राइडर को यहाँ पे अच्छा सपोर्ट देने वाला है। और यहाँ पे आपको NS400G की यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, जो इसके ग्रैब रेल वगैरह ये देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक में मिलने वाला है, काफ़ी शार्प डिज़ाइन के साथ ये होने वाला है। बाकी जो इसके टेल लैंप है ये टिपिकल बजाज के सिग्नेचर टेल लैंप ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, यहाँ आपके LED के अंदर में टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, यहाँ आपको टायर हगर मिल जाते हैं। और जो रियर में टायर है ये 140mm का यहाँ पे मिलने वाला है। इसका टायर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, 140x70R17 इंच का आपको रेडियल टायर मिल जाता है। टायर की ग्रिपिंग कुछ ऐसी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ रियर में भी आपको ग्रेमिका के ही क्लिपर्स मिलेंगे, बट यहाँ सिंगल पिस्टन क्लिपर यहाँ पे मिलने वाला है। 230mm का रियर में आपको डिस्क मिल जाता है, साथ साथ आपका ड्यूल चैनल ABS है, तो यहाँ पे भी आपको ABS के रिंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके जो रिम है उस पर भी आपको रेड और वाइट का इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी स्विंग आर्म्स वगैरह आप देख सकते हैं, इसके काफ़ी सॉलिड सा आपको फील कराने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका एग्जॉस्ट है ये अंदर वैली एग्जॉस्ट होने वाला है। ये आपको कई लोग कहेंगे कि एग्जॉस्ट नहीं है, बट ये अंदर वैली एग्जॉस्ट है, क्योंकि अभी मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड भी आपको सुनाने वाला हूँ, जैसे मैं अभी की को लगा के दिखा रहा हूँ। और एग्जॉस्ट नोट आप सुन सकते हैं यहाँ पे, ये आइडियल पे इसका आवाज़ है। तो एग्जॉस्ट का साउंड जो है काफ़ी बेसी है, काफ़ी डीप यहाँ पे होने वाला है। तो 400cc का इंजन, ऑब्वियसली बात है कि आपको अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एल्युमिनियम के फुटरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाए। NS400 के साथ जो टैंक मिलता है, टैंक भी काफ़ी अच्छे साइज का है। यहाँ पे आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे E20 की ब्रांडिंग की गई है। बाकी के पल्सर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कई बार बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता था, तो कंपनी ने यहाँ पे इसको आप चेंज करके दे दिया है, जो आप ऑन द वे भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। बाकी हैंडल वगैरह का डिज़ाइन आप देख सकते हो, काफ़ी वाइड है, ग्रिपिंग काफ़ी इसकी अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल यहाँ पे ब्रेक लीवर देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रेक लीवर को एडजस्ट कर सकते हो। क्लच भी आपको यहाँ एडजस्टेबल मिलने वाला है, स्विच की काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी इंजन किल स्विच है, यहीं से आप इसको ऑन करके और स्टार्ट भी कर सकते हो, यहीं पे आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हेजार्ड लाइट के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हाई बीम और लो बीम के स्विच मिल जाते हैं। यहाँ से वो अपने हेडलैम्प को ऑफ भी कर सकते हो। बाकी लेफ्ट साइड में आप आते हो तो यहाँ पे हॉर्न का आपको प्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो आपको चार बटन मिल जाते हैं जिससे आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, 2 पार्ट में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है आपके, यहाँ पे ऑडोमीटर। बाकी जो आपके राइड मोड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी रोड मोड्स पे है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया हुआ ये दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइड स्टैंड अगर लगा हुआ है तो आपके वो भी यहाँ पे इंडिकेट होने वाले हैं। यहाँ पे जो आपकी छोटी सी डिस्प्ले है इस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ जो स्विच देखा था आपने, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इस स्क्रीन को। जैसे मैंने सेट पे अभी क्लिक किया तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। यहाँ मेन मेन्यू पे जाने के बाद आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर हम कनेक्टिविटी पे जाके सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शो करने वाली है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे ट्रिप और बाइक की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप ट्रिप ए चेक कर सकते हो, ट्रिप भी, और बाइक इन्फो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैप टाइमर भी मिल जाता है। सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप अपने फेवरेट्स वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्यूक सेलेक्ट के लिए मिल जाएंगे। डेट टाइम क्लॉक, डेट एंड क्लॉक भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको ब्राइटनेस के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, अपने हिसाब से आप अपने ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बाइक के अंदर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलने वाला है, जो कि अब अपने हिसाब से इसको स्विच कर सकते हो, आपको ऑफ रखना है या ऑन रखना है। अभी आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाली आपको लाइट्स देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी लाइट्स के इंडिकेटर हैं, यहाँ पे हाई बीम के आपके इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रल के, ABS के और इंजन मालगेज के। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलने वाला है। कॉल्स, SMS के सारे अलर्ट आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। हमने डोमिनार के अंदर में देखा था, वहाँ विजिबिलिटी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बट यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ अगर की के डिज़ाइन को आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपको वेब की मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पल्सर की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे भी पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बात कर लें पल्सर NS400G की प्राइस के बारे में, तो एक्सोरूम जो प्राइस है 185,000 होने वाला है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको 400cc का इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाली है।
400 सेगमेंट में आपको सबसे कम प्राइस में ये बाइक आपको ऑफर की जा रही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि पल्सर का ये 400 वाला वेरिएंट आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें और अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखें।